तो आपको नीड होती है कि आप क्या करें एक नई स्लाइड नई स्लाइड को ऐड करें यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ स्लाइड्स यूर प्रेजेंटेशन एज नीडेड आप एक प्रेजेंटेशन में कितनी भी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेन एवर वी एड अ न्यू स्लाइड इन आर प्रेजेंटेशन वी मस्ट सेलेक्ट इट्स ले आउट फर्स्ट जब हम प्रेजेंटेशन में किसी नई स्लाइड को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लेआउट सेलेक्ट करना पड़ता है ठीक है सो so, इसके स्टेप्स हैं ओपनिंग ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल माई प्रेजेंटेशन आप एक पहले से ही जो प्रेजेंटेशन आपके सिस्टम में सेव है आप उसे ओपन करते हैं जैसे कि माय प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्लाइड बटन इन द स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टैब फिर आप क्या करेंगे होम टैब में स्लाइड ग्रुप के अंदर एक बटन होता है चिल्ड्रन न्यू स्लाइड का आप उस पर क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ़ अवेलेबल स्लाइड लेआउट इज डिस्प्लेड सो जो लेआउट जो स्लाइड लेआउट की लिस्ट है जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स मिलते हैं वो लिस्ट हमारे पास ओपन हो जाएगी हमें डिस्प्ले हो गई क्लिक ऑन द डिज़ायर लेआउट सो जो आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा हो उस लेआउट का आप सेलेक्ट करेंगे उस पर क्लिक करेंगे पावर पॉइंट विल ऐड अ न्यू स्लाइड पावर पॉइंट के अंदर एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी विद द सिलेक्टेड ले आउट इन सेंटर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो ठीक है जो आपने ले आउट सेलेक्ट किया है वो पावर पॉइंट की विंडो में सेंटर पर आ जाएगी द न्यू स्लाइड कैन ऑल्सो बी सीन इन द स्लाइड स्टैप ऑन द लेफ्ट और आप न्यू स्लाइड को स्लाइड टैब में भी जो लेफ्ट साइड में जो स्लाइड टैब्स हैं आप वहाँ पर भी उसे देख सकते हैं ओके okay? ये देखिए चिल्ड्रन यहाँ पे जब हम न्यू स्लाइड लेआउट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स आते हैं सो जो भी हमें लेआउट चाहिए हमारी प्रेजेंटेशन के लिए हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ओके नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन एडिंग पिक्चर्स टू द टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड कि हम टाइटल में या फिर कंटेंट स्लाइड में कैसे पिक्चर्स को ऐड करते हैं अब हम वो सीखेंगे सो so, उसके लिए स्टेप्स हैं पिक्चर्स ऐड करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा इंसर्ट टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन आप कौन से लेआउट को सिलेक्ट करेंगे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड को क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट द पिक्चर ऑप्शन फ्रॉम द इमेजेस ग्रुप उसके बाद आप क्या करेंगे चिल्ड्रन आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और इमेजेस ग्रुप के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे पिक्चर ऑप्शन को ओके द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन तो इंसर्ट पिक्चर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा चूज द फोल्डर वेयर पिक्चर्स आर स्टोर तो हम उस फोल्डर को चूज करेंगे जहाँ पर पिक्चर स्टोर है ठीक है सिलेक्ट अ पिक्चर बाय क्लिकिंग इट हम पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे उसको क्लिक करके और बाय टाइपिंग द फाइल नेम या फिर जो फाइल नेम है जिस नेम से पिक्चर सेव है उसे हम टाइप करेंगे क्लिक इंसर, क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन उसके बाद हम इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे द पिक्चर विल अपीयर ऑन द स्लाइड जो पिक्चर हमने सेलेक्ट किया है वो हमें स्लाइड के ऊपर शो होने लग जाएगी ओके नेक्स्ट है चिल्ड्रन स्लाइड शो स्लाइड शो क्या होता है Microsoft PowerPoint provides the option of combining all the slides of a presentation into a slideshow. देखिए children जो Microsoft PowerPoint है वो हमें एक option देता है कि हम हमने जितनी भी slides बनाई है presentation की हम उसे एक, एक combined form में देख सकें ठीक है जिसे हम slideshow में देख सकें इसमें क्या होता है कि जैसे जो first slide है वो हमें display होगी ठीक है फिर उसके साथ के साथ हमें दूसरी स्लाइड डिस्प्ले हो गई ठीक so है सो बैक टू बैक हम बैक टू बैक हमें स्लाइड्स शो होती हैं स्लाइड शो में इट इज़ जस्ट लाइक द पिक्चर्स इन अ फोटो एल्बम जैसे आप फोटो एल्बम में पिक्चर्स देखते हैं वैसे ही हम स्लाइड शो में स्लाइड्स देखते हैं इट डिसप्ले ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन वन बाय वन ऑन द स्क्रीन सो जितने भी प्रेजेंटेशन में आपकी स्लाइड्स हैं वो आप हम क्या कर सकते हैं वन बाय वन डिस्प्ले देख सकते हैं उनका ठीक है टू रन अ स्लाइड शो फॉलो दी स्टेप्स दिविन बिलो अगर आपने स्लाइड शो देखना है तो आपको इस स्टेप्स को फॉलो करना होगा सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब आप स्लाइड शो टैब पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप ठीक है तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होंगे फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम बिगनिंग का मतलब कि आप जो स्लाइड जो है बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट जो स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन की वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड ओके नेक्स्ट ऑप्शन होता है फ्रॉम द करंट स्लाइड जो स्लाइड आपके पास करंटली ओपन है वहाँ से क्या होगी स्लाइड शो स्टार्ट होगी स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द स्लाइड यू आर करंटली वर्किंग ऑन जिस स्लाइड पे आप करंटली काम कर रहे हैं वहाँ से क्या होगी स्लाइड शो स्टार्ट ही लग जाएगी नेक्स्ट है कस्टम स्लाइड शो इट डिस्प्लेज ओनली द स्लाइड यू सिलेक्ट कस्टम स्लाइड शो से क्या होगा जो स्लाइड आपने सेलेक्ट करी है सिर्फ हमें वो दिखेगी ठीक है नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो इससे क्या होगा दिस फीचर ब्रॉडकास्ट द स्लाइड शो टू रिमोट व्यूअर्स हु कैन वॉच इट थ्रू अ वेब ब्राउजर देखिए चिल्ड्रेन जो ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो है उसमें हम क्या कर सकते हैं जो हमसे दूर हैं लोग उनको हम स्लाइड शो दिखा सकते हैं थ्रू अ वेब ब्राउज़र ठीक है वेब ब्राउजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जो हमसे दूर लोग बैठे हैं ठीक है जो हमसे डिस्टेंस में बहुत दूर है उन उनके साथ हम क्या कर सकते हैं उन्हें हम हमारी स्लाइड शो दिखा सकते हैं ओके नाउ वी आर रीडिंग पेज नंबर एटी फाइव जो आपके साइड में ब्लॉक आप इन्हें रीड करेंगे सो द फर्स्ट ब्लॉक इज अड लेआउट रेफर्स टू द जर्नल अरेंजमेंट ऑफ वेट इज ऑन द स्लाइड स्लाइड लेआउट क्या होता है चल देखिए स्लाइड के अंदर क्या होते हैं कॉम्पोनेंट्स होते हैं स्लाइड के पार्ट होते हैं कि कहाँ हम टाइटल ऐड करना चाहते हैं कहाँ हम सब टाइटल ऐड करना चाहते हैं और कहाँ हम उसका कंटेंट ऐड करना चाहते हैं ठीक है ठीके? तो ले क्या है कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट है ओके okay? नेक्स्ट बुक्स में लिखा है शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इज कंट्रोल प्लस एन की कॉम्बिनेशन अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन है क्रिएट करने है तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन नेक्स्ट इज प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर क्या होते हैं चिल्ड्रेन प्लेस होल्डर आर डॉटेड और हैच मार्क्स बॉर्डर्स डेट आर अ पार्ट ऑफ मोस्ट स्लाइड लेआउट देखिए जो प्लेस होल्डर्स होते हैं उनके बॉर्डर कैसे होते हैं डॉटेड और ये किसके पार्ट होते हैं स्लाइड लेआउट के पार्ट होते हैं और इसके अंदर क्या होता है दीज बुक्स कैन कंटेन टाइटल एंड बॉडी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स पिक्चर्स एट्सेट्रा ओके इसके अंदर टाइटल होते हैं ठीक है बॉडी टेक्स्ट होते हैं ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे कि चार्ट्स टेबल्स पिक्चर्स एटसेट्रा नेक्स्ट बॉक्स में है वी कैन ऑल्सो सेव आर प्रेजेंटेशन यूजिंग दी कंट्रोल प्लस एस की कॉम्बिनेशन हम हमारी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की दैट इज़ कंट्रोल प्लस एस ओके नेक्स्ट इज प्रेस कंट्रोल प्लस एम टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड अगर आपको एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है चिल्ड्रेन तो आप उसके लिए क्या प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एम नेक्स्ट इज़ to view the presentation of a particular slide open that slide and press shift plus f5 key combination agar aapne kisi particular presentation ki koi particular slide dekhni hai to aap kya karenge wo slide open karenge aur press karenge shift plus f5 key Chapter की reading complete हो गई है so, आपको ये chapter अच्छे से read करना है okay? Next class में हम इसका बुक वर्क और question answers करेंगे Okay, bye children. Have a good day.